दोस्तों ये है गोदंती भस्म। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गोदंती भस्म बनाई जाती है गाय के दांत से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोदंती एक पत्थर होता है जो खदानों से निकाला जाता है, गाय के दांत के समान दिखता है, इस वजह से इसको गोदंती बोला जाता है, उसी की भस्म बनाई जाती है। अब आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली भस्म है गोदंती भस्म। इसका इस्तेमाल आपके दर्द को दूर करने के लिए, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है उसको दूर करने के लिए करते हैं। डॉक्टर और वैद्य की पहली पसंद होती है, दर्द को दूर करने के जितने भी नुस्खे बनते हैं उन सब में डालते हैं वो लोग गोदंती भस्म। अब गोदंती भस्म का कौन कौन से रोग में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये आज की वीडियो में आज सारी बात आपको बताऊंगा। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूँ। यह आपको 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक लेना है। आपको शहद के साथ, मक्खन के साथ या मलाई के साथ इसका इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद ही करना है इसका इस्तेमाल। और रोगों के हिसाब से इसकी मात्रा घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। सबसे पहले तो वो लोग सुन लो जिनका बुखार बना रहता है, शरीर में जलन बनी रहती है, गर्मी चढ़ी रहती है, उसके तापमान को, बुखार के तापमान को कम करने के लिए गोदंती भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों का भी तापमान बढ़ा रहता है बुखार की वजह से, किसी भी प्रकार का बुखार, इसके लिए आपको करना क्या है, दो रत्ती लेनी है आपको गोदंती भस्म, दो ही रत्ती लेनी है आपको फिटकरी भस्म, चार रत्ती जीरे का चूर्ण, इसको मिला लेना है आपको तुलसी के रस में। तुलसी के रस में मिलाने के बाद इसे आपको शहद के साथ चाटना है खाना खाने के बाद। तो आपके शरीर का जो तापमान बुखार की वजह से उठा हुआ है, चढ़ा हुआ है, ख़त्म नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा और शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों कमाल की चीज़ है ये गोदंती भस्म, दर्द को दूर करने के काम में आती है। अब आपके सिर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे वो कितना पुराना दर्द हो, उस दर्द को दूर कर देगा आपका ये गोदंती भस्म। आपको करना क्या है, या आपको तीन रत्ती की मात्रा में गोदंती भस्म और 1 ग्राम की मात्रा में धागा मिश्री का पाउडर आपको मिला लेना है और शहद के साथ दिन में 3 बार चाटते रहना है। अगर आपके सर दर्द की जो समस्या है वो ख़त्म नहीं हो रही है तो आप इस विधि से, गोदंती भस्म के इस्तेमाल से, अपने इस सर दर्द को हमेशा के लिए छुमंतर कर सकते हैं। दोस्तों श्वेत प्रदर एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी आम समस्या है जो आजकल की युवतियों में, महिलाओं में प्राय हो जाती है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए आप गोदंती भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 6 रत्ती की मात्रा में गोदंती भस्म लेना है, 1 रत्ती की मात्रा में त्रिवंग भस्म लेना है और इसे आपको बनफ्शा शरबत के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे चाहिए तो आप अशोका रिस्ट या पतरंगा सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों बहुत ही छोटा सा वीडियो था गोदंती भस्म का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कौन सी वीडियो चाहिए भस्म के ऊपर या जड़ी बूटी के ऊपर या कोई भी औषधि के ऊपर, जिसका कमेंट मेरे पास पहले आएगा मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। दोस्तों मेरे पास लगभग सभी जड़ी बूटियाँ और सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। आपको बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं मुझसे। अगर आपको सिंगल पीस या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो जड़ी बूटी स्टोर पर आप इसे बुक करके अपने घर पर ही मंगा सकते हैं। दोस्तों दिमागहीन जिस तरीके से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और भी तो चैनल पर वीडियो हैं वो भी देखें, उन्हें भी लाइक करें, उन्हें भी शेयर करें और थोड़ा सा मुझे उठाएं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगली बार मैं किसी औषधि के साथ मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।